हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 11 पढ़क्कू की सूझ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। तो अब इसी के अंदर प्रश्न है कि दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया, यानी कि तुम्हें मिर्च का मज़ा कविता पढ़कर ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू की सूझ कविता पढ़कर अच्छा लगा। तो इस चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों में से मुझे पढ़क्कू की सूझ कविता ज़्यादा मज़ेदार लगी। इसमें पढ़क्कू तर्कशास्त्री है, पढ़ा लिखा है फिर भी बैल के मालिक से मूर्खतापूर्ण सवाल करता है, इससे कविता काफ़ी रोचक बन जाती है। रोचक मतलब जैसे कि काफ़ी अच्छी, मतलब आनंददायक, पढ़ के जिसको मज़ा आए तो रोचक बन जाती है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू या कोई भी अच्छा नहीं लगा। मिर्च का मज़ा कहानी जो आपने पढ़ा था उसमें काबुली वाला था, तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू या कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मज़ेदार लगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। जैसे दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एरी चोटी का जोर लगाना। तो इसका हम लोग वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो दिन रात एक करना, दिन रात एक, वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए सोनिया ने दिन रात एक कर दी। ये क्या हो गया, हम लोगों का वाक्य बन गया दिन रात एक करना कविता से। अब पसीना बहाना, पसीना बहाना हमारे से बनाएंगे हम, हमारे किसान खेतों में पसीना बहाकर फसल उगाते हैं, यानी कि मेहनत करके। तीसरा है एरी चोटी का जोर लगाना, सफलता उन्हें ही मिलती है जो एरी चोटी का जोर लगाते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा, मतलब यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि वह दिन रात पढ़ता होगा। अब दूसरा प्रश्न है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूँ, इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूँ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, अपना तरीका। हाँ जब बस्ती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ, पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो, मतलब जैसे है कि पूछ धरता हूँ, तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे पूछ पकड़ लेता हूँ। तो वैसे ही यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें तुमको अपने तरीके से लिखना है। जैसे क है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। दूसरा है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तीसरा है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। अगला देखते हैं, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते हैं। तो इसको हम अपने तरीके से कैसे लिखेंगे, जैसे क हो गया उत्तर क, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। था ना कि मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। दूसरा था, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तीसरा है, सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, तो इसको हम अपने तरीके से लिखेंगे, इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सुझा रखी है। चौथा है, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते थे, इसका मतलब जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी नहीं नई बात बना लेते थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हेडिंग है गढ़ना,
पढ़कू नई नई बात गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? जैसे गढ़ना मतलब नई नई बात बनाना या नया नया कुछ करना। तो जैसे सुनार क्या करता है? तो सुनार जेवर बनाता। गढ़ना मतलब बनाना कोई भी। लुहार क्या करता है? लोहे की चीज बनाता है। ठठेरा क्या करता है? ये बर्तन बनाता है, गढ़ता है। कवि क्या करता है? कवि कविता लिखता है या कविता बनाता है। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेखक क्या करते हैं? लेखक कहानी या लेखक गढ़ते हैं, लिखते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ और अक्षर जाल में खोजो। जैसे यहाँ पर ना ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनके अर्थ आपको अक्षर जाल में खोजना है। पहले तो बता देती हूँ, ढब, ढब का मतलब तरीका, भेद का मतलब राज, गजब का कमाल, मंतिक का तर्कशास्त्र, छल का धोखा। तो यहाँ आपको जो ये दिख रहा है ना, इसमें आपको इसको ढूंढ के और इसमें आप गोला लगा देंगे। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं सब लिखा हुआ है राज, तरीका, धोखा। तो आप इन सभी प्रश्न उत्तर को याद करेंगे और इसको कॉपी में भी लिखेंगे।